नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा फोटो कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम मुख्य दरवाजे की बात करते हैं, जो कि आजकल तमाम दरवाजे में देखने को मिलता है कि माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का मार्बल में बना हुआ फोटो मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान का पीठ वैसे भी हमको नहीं देखना चाहिए, और भगवान की पीठ के पीछे जो दरिद्र का वास होता है ऐसा माना गया है, विशेषकर माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश जी की पीठ के पीछे। तो कभी भी इनका फोटो जो मार्बल में करके मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं नहीं लगाना चाहिए। और विशेषकर अगर दरवाजे के पास से नाली निकली हुई हो तब तो बिल्कुल ही नहीं, और किसी भी सूरत में नहीं लगाना चाहिए। मेरा तो ये भी मानना है कि जो शास्त्री को जो निशान बनाते हैं या ओम का जो चिन्ह बनाते हैं दरवाजे के पास, वो भी अगर नाली वगैरह निकला रहे तो नहीं बनाना चाहिए। कहा है कि ओम भगवान श्री भोलेनाथ का चिन्ह है, और जो शास्त्रिक बनाते हैं वो भगवान श्री गणेश जी का है। तो ऐसे गंदगी में जहाँ बदबू आती रहे वहाँ इन सब चिन्हों को नहीं बनाया जाता है। जैसे कि आप सजावट के लिए मुख्य द्वार पर कुछ बनाना ही चाहते हैं तो मोर का, जो मोर होते हैं मयूर, उनका चिन्ह बनाए बहुत शुभ माना जाता है। भगवान का फोटो बाहर दरवाजे में लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे वो द्वारपाल तो है नहीं कि उनको हम द्वार पर बैठा दिए, उनको हम विधिवत घर के अंदर मंदिर बना के बैठाते हैं। इसलिए कभी भी आप गणेश जी का या किसी भी देवी देवता का मार्बल में बना हुआ चित्र घर से बाहर मत लगाएं। उसके बाद हम घर के पहले वाले कक्ष में आ जाते हैं। घर के जो सबसे पहला जो कक्ष है उसमें आप सुंदर सुंदर गुलदस्ते और तमाम जो पक्षी के जोड़े ये सब आप चित्र लगा सकते हैं। और घर के सबसे पहले कमरे में पूर्वजों का फोटो लगाना चाहिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। सबसे पहले कमरे में पूर्वजों का फोटो लगाएं। पूर्वजों का फोटो कभी भी देव स्थान में या पूजा कक्ष में देवी देवताओं के साथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब हम जहाँ खाना खाते हैं वहाँ पर अन्नपूर्णा माता का तस्वीर लगाएं, क्योंकि अन्नपूर्णा माता की तस्वीर वैसे तो रसोई में लगाना चाहिए, पर रसोई में मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि जैसे कि प्याज वगैरह और लहसुन वगैरह का जब हम तड़का देते हैं तो पूरे रसोई में व्याप्त हो जाता है। तो वहाँ पर वैसे तो वहीं पर माता को स्थापित करते हैं, और जो भोजन बनता है सात्विक भोजन जो बनता है पहले हम माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाने के बाद ही खाते हैं। तो अगर आप लगाना चाहें तो रसोई में भी लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ भोजन कक्ष है, जहाँ हम भोजन करते हैं वहाँ पर लगाइए। जब हम भोजन करें तो माँ अन्नपूर्णा का जो तस्वीर है वह हमारे सन्मुख या सामने रहे, माँ अन्नपूर्णा का फोटो भोजन कक्ष में लगाइए। उसके बाद जो बेडरूम है, पति पत्नी है कोई भी है, तो वो अपने बेडरूम में अपने विवाह का फोटो और पक्षियों का जोड़ा का फोटो और सुंदर सुंदर गुलदस्ते और तमाम और जो चित्रण है उनका फोटो तस्वीर लगाना चाहिए, जो कि लाल रंग के रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसी तरह से जैसे कि भगवान जी के जो कक्ष हैं वहाँ भी फोटो रखने का नियम है कि जैसे माँ पार्वती भगवान शिव के साथ हैं, स्थापित हैं, तो उनके बगल में बजरंग बली जी का फोटो कदापि स्थापित नहीं करना चाहिए। भगवान बजरंग बली जी का फोटो अलग से या नीचे स्थापित करना चाहिए। पूजा कक्ष में सबसे पहले देवियों का, फिर देवताओं का, फिर बजरंग बली जी का नीचे या बगल में, और देवी देवताओं के साथ राम जी हैं उनके साथ, या राम दरबार का फोटो है तो विष्णु भगवान जी के बगल में लगा सकते हैं। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जो हम रखते हैं, तो एक फोटो आता है माँ यशोदा का, वो बाल गोपाल के पीछे लगा सकते हैं सामने, जैसे कि माँ यशोदा बाल गोपाल के गोद मिली है ऐसा रहे। भगवान श्री कृष्ण जी का फोटो तो सब लगाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का फोटो गाय सहित, मतलब गाय के साथ बछड़ा रहे, और भगवान श्री कृष्ण एक पांव से टेक लगाकर और एक हाथ से गाय के ऊपर टेक लगा के जो खड़े रहते हैं,
ऐसा फोटो पूजा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। गाय के बछड़े के साथ गाय और भगवान श्री कृष्ण जी टेक लगा के खड़े रहें, वैसा फोटो आप अपने पूजा कक्ष में जरूर लगाएं, ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसी तरीके से और जो फोटो हैं, जैसे कि भगवान श्री नटराज का, भगवान भोलेनाथ का फोटो तांडव नृत्य करते हुए जो रहता है वो घर में कभी न लगाएं। भगवान जी तांडव नृत्य तभी करते हैं जब बहुत क्रुद्ध होते हैं, रौद्र होते हैं, तो ऐसा फोटो घर में नहीं लगाना चाहिए, ये मंदिर में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसी प्रकार से महाभारत की फोटो, जो कि लड़ाई के वक्त का फोटो रहता है, वो घर में कभी नहीं लगाएं, उससे घर में बहुत अशांति और कलह होता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्णचंद जी जो रथ का चक्का उठा के भीष्म जी की तरफ दौड़ते हैं उनको मारने के लिए, ये बेहद ही संवेदनशील फोटो रहता है मारने के बहुत महाभारत का, ये भी न लगाएं। ये सब जो फोटो हैं इनको लगाने से घर में अशांति और लड़ाई झगड़ा होता है। अगर आपके यहाँ हो तो उसको मंदिर में दान दे दें, नहीं तो अभी नहीं तो फिर आगे अशांति का जो वातावरण है वो उत्पन्न हो सकता है। महाभारत की कोई भी फोटो घर में नहीं लगानी चाहिए। उसी तरह से हिंसक पशु पक्षियों के भी फोटो घर में नहीं लगाना चाहिए। जैसे शेर किसी नील गाय को या हिरण को या गाय को दबोचा है, पकड़ा है, इस टाइप के फोटो कभी भी घर में हिंसक फोटो न लगाएं। कभी कभी ऐसा भी फोटो लगाते हैं कि मयूर मोर सांप को पकड़ा है या दो सांप लड़ रहे हैं या नेवला सांप को पकड़ा है, ये हिंसक फोटो है, ये कभी भी अपने घर में न लगाएं। और हमेशा अपने घर में पक्षियों का जोड़ा का फोटो, गुलदस्ते और जो हमारे देशभक्त हैं उनके फोटो, इन सब का फोटो, देशभक्त जो हमारे हैं जो शहीद हो गए हैं उनका फोटो भी हम पूर्वजों के साथ आगे के कमरा में लगा सकते हैं। इसी तरह के और तमाम ऐसी मान्यताएं हैं कि अपना जो फोटो है कभी भी दक्षिण के दीवार में नहीं लगाना चाहिए। जो जीवित माता पिता हैं कोई भी हैं वो तो दक्षिण के दीवार में नहीं लगाना चाहिए, दक्षिण के दीवार में पूर्वजों का फोटो लगाना चाहिए। उसी तरह से हम जैसे कि कलश वगैरह इनका जो चित्र है, चित्रण, ये भी भगवान जी के कमरे में लगाएं। जब भी हम कोई पूजन कराएं, महापूजन जब कराएं, हवन वगैरह करते रहें या शिव जी का अभिषेक करते रहें या मंदिर में कराते रहें परिवार सहित, तो उसका भी एक फोटो लें सुंदर, उसको मढ़वा के भगवान जी के कमरे में उसको स्थापित करके रोजाना उसका पूजा करें। तो मान्यता ये भी है कि उस टाइप का जो फोटो का हम पूजा करते हैं, तो ये मान्यता है कि दशांश फल, जो फल हमको पूजा करने से मिला, जो हम पूजा कराई एक बार, उसका दसवां हिस्सा हमको हर दिन पूजा करने से, उस फोटो का हर दिन पूजा करने से मिलता रहता है। तो जब भी आप अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान कराएं, हवन, जैसे माँ दुर्गा जी का जो अष्टमी में हवन होता है उसी का फोटो ले लें, या कोई बड़ी आयोजन कराए या मंदिर में भगवान भोलेनाथ का पति पत्नी के साथ हम अभिषेक कर रहे हैं उसका फोटो ले लें, उसका फोटो लेकर विधिवत उसको थोड़ा बड़ा मढ़वा के भगवान के कमरे में रख के उसका विधिवत आप सब देवी देवता का पूजन करते हैं, वैसे आप उस यज्ञ का फोटो का भी पूजा करें, आपको दशांश फल मिलता रहेगा। ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही ये आजमाई हुई और पौराणिक बात है। इसी तरह से माँ लक्ष्मी जी का फोटो आप अपने घर में कभी ऐसी जगह न लगाएं कि जो कि बाहर के दरवाजे से सीधे माँ लक्ष्मी का फोटो दिखे, और माँ लक्ष्मी का जो फोटो है उसका मुख बाहर के तरफ करके कभी नहीं लगाएं, नहीं तो आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं ठहरेंगी। लक्ष्मी जी का फोटो हमेशा अंदर की तरफ, घर के अंदर की तरफ उनका मुंह रहे, वैसा फोटो लगाएं। और देवी देवताओं का फोटो हर जगह घर में नहीं होनी चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं होनी चाहिए। देवी देवताओं का फोटो लगाने का एक कक्ष होना चाहिए, पूजा कक्ष, उसमें आपको जो भी फोटो लगाना है लगाइए, और देवी देवता को विधिवत पूजन करिए, उतना ही फोटो रखिए जितना सब देवी देवताओं को हम भोग लगा सकें, नहला सकें, उनको फूल माला चढ़ा सकें।
और सजावट के लिए आप और भी चित्रण और कई चित्र हैं उनको लगा सकते हैं। देवी देवताओं का फोटो यहाँ वहाँ गली कूचे में नहीं लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का या किसी भी देवी देवता का फोटो इस तरीके से न लगाएं कि उनका मुख बाहर की तरफ हो, बाहर से कोई सीधे देवी देवता को देख सके। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, चाहे भगवान श्री गणेश हो, माँ लक्ष्मी हो, कोई भी देवी देवता का फोटो बाहर की तरफ नहीं लगाना चाहिए। बजरंग बली जी का फोटो आप बाहर की तरफ मुंह करके लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी का फोटो कभी भी मत लगाएं, नहीं तो आपके यहाँ लक्ष्मी की हानि होती रहेगी। कभी भी बेडरूम में देवी देवताओं का फोटो नहीं लगाना चाहिए। बच्चे जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पर माँ सरस्वती का दिव्य फोटो लगाना चाहिए, और बच्चे जब भी पढ़ाई करने बैठें तो माता को प्रणाम करके तब पढ़ाई करने बैठें। और कभी कभार बच्चे भी माता को स्नान करा के और धूप बत्ती अपने कमरे में जरूर जलाएं। माँ सरस्वती जी हैं, उनका फोटो ऐसे जगह लगाएं जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो सामने उनका तस्वीर दिखता रहे। माँ सरस्वती जी का फोटो जरूर लगाएं और सरस्वती जयंती पर बच्चों से माता का पूजा जरूर करवाएं। उसी तरह से जो गर्भवती बहनें हैं, बेटियां हैं, वो अपने कक्ष में जहाँ सोती हैं वहाँ पर वो सुंदर सुंदर बाल गोपालों का फोटो लगाएं, और भगवान श्री कृष्ण जी का लड्डू गोपाल का फोटो बड़ा करके कि वो अपने पलंग पर लेटी रहें तब भी उनको भर नज़र आराम से देख सकें। लड्डू गोपाल बाल गोपाल का फोटो लगाएं और सुंदर सुंदर बच्चों का फोटो लगाएं, सुंदर सुंदर पक्षियों को जोड़ा का फोटो लगाएं, और गुलदस्ते जो हैं सुंदर सुंदर फूलों के उनसे उनका जो कक्ष है वो अच्छी तरह से सजा दें। बाल गोपाल जी का फोटो ऐसे जगह लगाएं कि जब वो स्त्री बेटी बहन जो भी हैं गर्भवती वो जब सोने जाएं तो उन बाल गोपाल को विधिवत प्रणाम कर सकें उनको देख के, और जब सो के उठें तो उनकी दृष्टि उन बाल गोपाल के फोटो पर पड़े। ऐसा फोटो बाल गोपाल का गर्भवती बहनों बेटियों के कक्ष में लगाना चाहिए। तो मैं आपको बताई हूँ कि कौन सा फोटो कहाँ लगाना चाहिए और कौन सा फोटो कहाँ नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी पूर्वजों का फोटो हम जब पूजा कक्ष में लगाते हैं नहीं पता रहता है, तो वो तो हमारे आदरणीय हैं ही, लेकिन उनका सबसे पहले कमरा में लगाएं और उनको रोज़ हम प्रणाम करें पूर्वजों को। तो इसी तरीके से मैं आपको और भी जानकारी देती रहूँगी। आप इन सब जानकारियों का हमें आशा है ज़रूर फायदा आपको होगा, आपको लाभ होगा। अब आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।